तो गाइस कैसे हो सब। तो अभी अपना खेत जोत रहा है ट्रैक्टर की आवाज़ शायद आई रही होगी। अभी घर के पीछे चल रहा है ट्रैक्टर, अभी आया है वो, और देखते हैं कितना की क्या बखरते हैं आज, और फिर देखते हैं। चल रहा है ट्रैक्टर। पापा को मोबाइल चार्जिंग लगाना था तो पापा ने फेंक दिया है। ये यहाँ का खेत तो बखरा गया है, बखराने ही वाला है, ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा और बचा है ये बस, बीच बीच में सलंग, फिर भीड़ में जाएंगे नदी वाले खेत में, तो देखते कब तक होता है काम। तो अभी रावटे दे रहा है ट्रैक्टर, देखो ये आइसर 485 न्यू ट्रैक्टर है, देख सकते हो 4-5 स्टार। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया है वैसे। लुक भी अच्छा है। और अंदर से स्पेस भी अच्छी है, सामने बीच में गहरे साइड वाले नहीं है इसमें। और ये अभी न्यू है। यहाँ का खेत तो बखर दिया, अभी अपने को भीड़ में चलते हैं। यहाँ का तो हो गया है कंप्लीट, तो अभी बगीचे में गए जाम खाने, तो चलते हैं। अभी अपन वो दो खेत तो बखर दिए हैं, और ये तीसरा खेत है जो 8 बीघा है, जिसे 8 बीघा वाला बोलते हैं और जो पटेल वाला, तो उसमें चल रहा है ट्रैक्टर पीछे, देख ही सकते हो। और देखते हैं कब तक चलाते हैं, शायद ये पूरा बखरने के बाद ही चलेंगे वापस घर। और ये हार्वेस्टर से कटाया था तो गीले में ये सब रेचे पड़ गए हैं। ये देखो कितने हुंडे हुंडे, ये हार्वेस्टर का था जब यहाँ पे गीला बहुत था इसलिए। ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा है क्योंकि शायद कोई फ़ोन आ गया है तो बात कर रहे हैं, कब से कम 20-25 मिनट हो गए हैं वहीं पे ही खड़ा है ट्रैक्टर। और मैं अभी खेत में बैठा हूँ, ऐसा कुछ काम नहीं है, चल गया है ट्रैक्टर। और थोड़ी अभी मिट्टी ऐसे गीली है, ये देखो तो बर्फ नहीं आ रहा, ऊपर से ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आ रही, जो अंदर से निकल रही है वो कुछ थोड़ी गीली है, मतलब
इतनी सूखी नहीं है क्योंकि पानी अच्छा खासा गिरा था लास्ट लास्ट में इसकी वजह से। तो अब चला है ये ट्रैक्टर, उस दिन अपन जिस दिन आए थे जलाने उस दिन का ये एक बज गया था, ध्यान में नहीं रहा था तो इसको भी जला दिया है। अभी इधर बखरा दिया है, शाम हो गई है, अभी शाम हो गई है और थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी महसूस हो रही है क्योंकि वापस मौसम भी आ गया है ठंड का। वैसे पीछे आग चल रही है तो यहाँ पर खड़ा हूँ तो इतनी महसूस नहीं हो रही है ठंड। कल जो पंजा करा था अपन ने, ये जो घर के पीछे खेत है उसमें ये चारा सब देखो मुलझा गया है एकदम, और कम ही था वैसे चारा, कोई ज़्यादा बड़ा वाला नहीं था, छोटा छोटा था तो सब मुलझा। और ये अपने पेला का है और इसमें चारा बड़ा था और था भी ज़्यादा, तो इसमें देखो अभी कुछ असर नहीं हुआ, इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ऐसा कैसे ही खेत दिख रहा है। और जो अपना कल ही बकरा मतलब आज 24 घंटे हुए होंगे तो सब मुलझा गया है चारा। हाँ तो कल जो अपन खेत अधूरा छोड़ के गए थे वो आज बक रहे हैं और ट्रैक्टर आ गया है, खेत पे चल रहा है और मैं अभी आया हूँ। और आज वैसे फ्राइडे था तो नमाज वमाज पड़ी और थोड़ा घर का काम वाम निपटाया और फिर अभी आया हूँ खेत में और चल रहा है ट्रैक्टर, जो कल रात हो गई थी तो अधूरे ही छोड़ दिया था अपन, तो अभी आया है वापस ट्रैक्टर, तो चलते हैं। सामने से चल रहा है ट्रैक्टर, मैं पहुँच गया हूँ खेत पे। गाइस वाला खेत भी बखरा गया और अभी ये नदी के पास वाला एक और गांव के पास वाला खेत है 6 बीघा 7 बीघा, तो उसको बखर रहे हैं और ये भी आधा हो गया है। और ट्रैक्टर उधर चल रहा है सामने धूप है और उसको तो कंप्लीट कर दिया। तो इधर ट्रैक्टर चल रहा है और इसमें अटाला भी बहुत है, ये अभी एक गाड़ी भरा दी अपन ने, सुबह सुबह आ गई थी गाड़ी तो 300 नग और भरा दिए और बचे हैं 1100 नग और बचे। तो आज मैं जल्दी उड़ गया था सुबह सुबह, धूप के मजे ले रहे हूँ। और इधर ये डोगी उन्हों बैठे हैं मस्त मुर्गा उर्गा खा रहा है, ऐस कर रहा है। अपना वो वाला खेत भी बखरा गया था, सारा काम कम्प्लीट हो गया था खेत का, इधर के जंगल का वो उधर उधर बचा है अपना, तो उसको बखरना बाकी है। बाकी कल सब इधर का काम कंप्लीट हो गया था, रात हो गई थी वो आ गए थे हम, और अभी सुबह गाड़ी भी भरती है। अभी चल नहीं रही है तो अभी मैं ट्रांसफार्मर पे जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तार वार हिट गया है कि क्या है। सबसे परेशान हो गया हूँ मैं, टंकी भरना ऊपर पानी की, इसलिए अब
पता लगेगा, ट्रांसफार्मर पे चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि दो फेस रहते, तीन फेस, उसमें से दो फेस, एक फेस का में दोनों फेस के मतलब दोनों तार लगा दिए थे अपने, तो इसलिए मोटर चल नहीं पा रही थी। किसी ने लगा दिए थे। तो चलते हैं और चेक करते हैं चलेगी कि नहीं। वैसे लाइट ख़राब ही आ रही है, फिर भी चेक करते हैं अपन। चल रही थी, थोड़ा कम पानी दे रही थी, देख ही होगा आपने। और मतलब दोनों तार एक ही फेस में लगा दिए थे किसी ने। तो चेक करते हैं अब घर पे जाके क्या होता है, चलती है कि नहीं चलती है। तो गाइस मोटर वोटर तो सब चल गई थी, और मैं थोड़ा बाहर चला गया था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। और अभी मैं, रात हो रही है, पानी देखने आया था फार्म में। तो एनीवेज गाइस, दो रोज तीन रोज का जो भी मैंने व्लॉग शूट किया है वो अपलोड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कोई ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।